अगर आपको एक ऐसी बाइक लाइट मिले जो इंस्टेंटली आपको एक एंटी थेफ्ट का नोटिफिकेशन भेज दे आपके स्मार्टफोन पे जैसे ही कोई आपकी बाइक को टच करता है, एंड एक ऐसी लाइट जिसको आप पूरे तरीके से अपने स्मार्टफोन से ही पूरा ऑपरेट कर सकते हो, तो आपको कैसा लगेगा? So hey guys, welcome back to Cycle Rider Roy. My name is Vishu and today I will be showing you this anti-theft bike light जो कि smart bike के तरफ से है. This is called the Click. Now ये जो tiny सा bike light है, this is so powerful that it instantly sends you a notification जैसे ही कोई आपके bike को touch करता है, if you are not nearby. So before I share all the details regarding this bike light, let me show you कि इसके box में क्या-क्या आता है and what all content you get inside the box. Now this light comes in a small box like this. It's a very tiny box as you can see here. So let me open this and show you what all content we get inside. So this is how the light is packed inside the box and this is how the light looks. If you see the closer look of this light, you will find out कि इसका जो ऊपर का पूरा कवर है दैट इज कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट. ऑल द इनसाइड चिप्स एंड आईसीज आर इजीली विजिबल दैट यू कैन सी देयर. एट द बैक वी हैव द चार्जिंग पोर्ट हियर जिसके थ्रू आप इसको पूरा रिचार्ज कर सकते हो. एट द बॉटम हमको इसको ऑन ऑफ करने का जो पूरा है लाइट वो मिलता है. करेंटली यू कैन सी द लाइट हैज बीन सेट इन दिस मोड एंड देर आर मल्टीपल मोड्स इन दिस लाइट विच यू कैन यूज. ऑल दीज फीचर्स कैन बी यूज बाई योर स्मार्टफोन. आप अपने स्मार्टफोन का यूज करके ही इसके डिफरेंट फीचर्स एंड इनके लाइट को सेपरेटली भी पूरे तरीके से ऑपरेट कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी द ओवरऑल डिजाइन ऑफ दिस लाइट. देर आर थ्री डिफरेंट LEDs, 1, 2 एंड हियर इज अनदर वन एट द मिडल जो कि स्मॉल है. दीज टू मेन LEDs आर द ब्राइटेस्ट वन जो बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आपको देता है. सो दीज आर प्रिटी मच ऑल द एक्सेसरीज एंड माउंटिंग ब्रैकेट दैट यू गेट ऑन दिस स्मार्ट बाइक टेल लाइट. नाउ सो इन ऑर्डर टू यूज द फुल फीचर ऑफ दिस लाइट वी नीड टू डाउनलोड दिस ऐप कॉल हाउते वर्क्स जो हमको ऐप स्टोर में मिल जाता है. एंड देन लेट्स सेलेक्ट द एड न्यू डिवाइस. वी नीड टू स्टार्ट दिस लाइट एंड इट रिक्वायर्स सम स्पेशल permission like turning the Bluetooth on and off, so I'm gonna do that. So here I'm trying to pair the device and let's see. So as you can see here it has found the light. So now we need to click on this and here it is. हमारा जो light है ये पूरी तरीके से connect हो चुका है smartphone app के through. Currently as you can see the light is off, however यहाँ पे blue light हमको नजर आ रहा है. This blue light indicates that this light is connected with your smartphone. Now we can simply just operate the light from our smartphone like this. I can use the different functions of this. I can edit the different lightings on this. Like abhi top jo hai wo constant mode pe hai. I can increase the brightness. Mid wale ka bhi, bottom ka bhi. And you can see jo iska overall brightness hai, kitna zyada badh gaya hai. I can also use different modes like this blinking one. I can set at the glow, middle one surge, and the last one as a burst. Tino ke tino dekho, maine different modes isme laga diye hain. एंड जो हमारा लाइट है उसके अकॉर्डिंगली पूरा देखो किस तरीके से काम कर रहा है. इफ़ आई वॉन्ट आई कैन स्विच ऑफ दी टू मेन लाइट्स एंड सिर्फ सेंटर वाले को ही हम जला के रख सकते हैं, और अगर मैं चाहूँ तो उसको भी बहुत ही कम कर सकता हूँ. नॉट ओनली दैट इस लाइट में एक एंटी थेफ्ट का फीचर भी है विच इफ़ आई टर्न ऑन नाउ अगर उस लाइट को थोड़ा सा भी मोशन डिटेक्ट करेगा यू विल सी वॉट हैपन्स. आई एम गोइंग टू मूव दिस लाइट एंड यू विल सी वॉट हैपन्स नेक्स्ट. You see that? हल्का सा मोशन डिटेक्ट करते ही देखो इसने कैसा आपको एंटी थेफ्ट का पूरा नोटिफिकेशन भेज दिया. एंड हियर यू कैन सी इट इज शोइंग यू थेफ्ट डिटेक्टेड. नाउ इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट जस्ट प्रेस दिस. अनदर फीचर विच आई रियली लाइक दैट दिस एप्लीकेशन हैज 4 डिफरेंट मोड्स विच मीन्स आप डिफरेंट मोड का इस्तेमाल कर सकते हो एज पर योर चॉइस. यू कैन जस्ट सेट different settings on different mode lighting modes like mode 1, mode 2, mode 3 and mode 4. You can select based on your preference and alag alag tarike se bhi aap pure tarike se isko use kar sakte ho. Auto sleep ka feature hai and there are different features as well. You can pair multiple bike lights into this and one of the best thing about this ki aap is single application ke through multiple lights ko bhi operate kar sakte ho. For an example, if you have 3 of these, you can operate all 3 lights with one single app. So that is a very good feature of this. Now to check whether this light actually sends you the notification jab koi aapke bike ko touch karta hai ki nahi. Now so currently you can see jo light hai hamara that is around
15 फीट डिस्टेंस पे है हमारा लाइट पूरे तरीके से रखा हुआ. आई एम गोइंग टू ऑपरेट द लाइट फ्रॉम हियर एंड लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स. दैट्स लाइट ऑफ एंड लाइट ऑन. सो आई कैन सी इट्स क्वाइट फास्ट. एज यू कैन सी द मोमेंट आई एम टैपिंग ऑन द स्क्रीन इट इज़ वर्किंग प्रिटी डिसेंटली. लेट्स स्विच ऑन द डिफरेंट मोड्स. आई एम गोइंग टू पुट इट एट द फुल ब्राइटनेस. सो लेट्स गो अहेड एंड पुट इट एट द बर्स्ट. पुटिंग एवरीथिंग ऑन बर्स्ट. जस्ट चेक इट आउट. The light is literally bright. I cannot really look directly into it because it is affecting it. So I am going to just reduce the brightness. Otherwise, andha ho jaunga aaj main. Alright, so now I'm gonna test the anti-theft feature of this bike light. Anti-theft mode maine on kar diya hai, and I'm gonna go there and see if I touch the bike, what happens. Okay. The top, I believe. Okay, so this is the test. The light is kept at 36 feet distance, and you can see the overall brightness of that light. Here, currently on my smartphone, you can check out. I have connected it. Let's try. I'm switching it off. That's switch off. I'm switching it on. That's on. So it's working at the touch of a button. So you can see. At the distance of 36 feet, the light is clearly working at the touch of this button here on my smartphone. So now I'm gonna try and use the different modes in here. So currently everything is at the lowest portion. So I'm gonna set everything here at the low. So here you see, I have set everything at low. Now I'm going to increase the brightness. There you go. This is the first light, top one. Now this is the middle one. Now the both lights are blinking. Now this is the all three lights are blinking. So now we're gonna go give it a different. This is the surge. I'm giving the last one, middle one, as burst and the last one as glow. So here you see three different modes are working there, and we can operate everything from here. If I switch it off, two lights from here, that's the center one which is working, and I can use a different one. That's blinking, that's glow, and here is the constant mode. So now I'm gonna use it as burst. As you can see here, the brightness. So you can see how all of them are working, and that's how the light is performing at 36 feet of distance. So I have switched the anti-theft mode on. I'm gonna go there and touch the light, and I'm gonna keep the smartphone here so that it can record the audio. Let's go and see how it works. Alright, as you can see here, it is working, and here is the anti-theft. So now you must be wondering, what is the price of this? So this light is priced at $45 on Smart Bike website, which is around 3000 rupees in India. Amazon India pe this light is priced at 4500 rupees, which I believe is the fair deal, because ye jo light hai ye Australia ka brand hai, and wahan se import and custom duties are there. I would really like to see what more Smart Bike lights can do with this light, what all features they can add in the future. If you are interested, link aapko description mein mil jayega jahan se aap isko purchase kar sakte. If you are not interested, then you can check out something else. So I'll see you with another video. Until then, bye bye.